हेलो दोस्तों, कैसा आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये जैसे कि देख पा रहे हो, ये जो गाड़ी है BS4 मॉडल का HF डिलक्स है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, वो जो कि वो BS4 था और उसमें हमने कन्वर्ट करके BS3 का स्विच लगवाया है, ठीक है। तो उसमें क्या था, पासिंग स्विच भी था साथ में, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे पास एक क्लाइंट आया हमारे पास, तो काफ़ी दूर से आया, वो वीडियो देख के हमारे पास आया। फिर ओ कस्टमर भाई ने फिर मुझे पूछा कि आप मेरे को ऐसा ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने भी ये जो स्विच है इंस्टॉल कर दिया, और वो वाला स्विच जो इंस्टॉल करना वीडियो है वो आई गो बटन में आ रहा होगा, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें क्या है फ्रेंड्स, पासिंग स्विच दिया गया है, पर ये जो इंस्टॉल किया हमने इसमें पासिंग स्विच नहीं है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं कनेक्शन थोड़ा सा बता दूँ इस वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। पहले वो वीडियो इसके बाद देख लेना, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आया काफ़ी दूर से, मतलब जहाँ पे रहते थे उस जगह पे काफ़ी मैकेनिक को दिखाया, वो काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आया, तो कस्टमर का अभी फीडबैक लेंगे। तो फ्रेंड्स, चले पहले मैं कनेक्शन बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो ये सॉकेट है, और पुराने वाला सॉकेट का भी मैं एक बार दिखा दूँ आप लोगों को पहले। ये है हमारा BS4 स्विच, क्योंकि ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हेडलाइट नहीं दिया गया, और ये जो सॉकेट है देख सकते हो, ये है सॉकेट BS4 का और ये BS3 का फ्रेंड्स, लगभग सेम है। बस इसमें क्या फ़र्क है, एक जो वायर है, एक वायर इसमें ज़्यादा है, जो कि ये वायर है, ठीक है। ये कलर देख सकते हो, हमने खोल के रखा है, और इसमें वो कलर है ही नहीं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। जैसे कि मैं दिखा दूँ, ये हो गया सेल्फ का, ये दोनों सेल्फ का हो गया, और इसमें भी सेल्फ का है, देख सकते हो फ्रेंड्स, एक आर्टिंग है और एक रेड में ग्रीन है, ठीक है। और ये जो है कलर, इंडिकेटर का कनेक्शन है, दिखा दूँ मैं बढ़िया से, देख सकते हो फ्रेंड्स, दो सॉकेट का है, देखिए ये भी इंडिकेटर का है, और इसमें भी सेम है, ठीक है। बस इसमें फ़र्क क्या है फ्रेंड्स, सिर्फ ये जो ब्लग वायर है, ये हॉर्न का कनेक्शन होता है, हॉर्न का मेन कनेक्शन है। हमने क्या किया, इसमें तो है फ्रेंड्स हॉर्न का कनेक्शन, इस पर आता था, ठीक है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये जो सॉकेट है, ये कलर इसमें लगा हुआ था, हमने क्या किया, सिर्फ इसको खोल के इसमें लगाया, ठीक है। और स्विच एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स ध्यान से, इसमें पासिंग नहीं दिया गया, सब कुछ वर्क करेगा। चलिए मैं एक बार कनेक्शन करके दोबारा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, आप भी ऐसे कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं पहले कनेक्शन को कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो जो कि सॉकेट है, सॉकेट टू सॉकेट आ गया ये हमारा, ठीक है। वास्ते ये जो कनेक्शन है ये खोला रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी देख सकते हो, ये जो सेल्फ का है गियर में स्टार्ट होने वाला, और ये अर्थ का है, तो ये सॉकेट टू सॉकेट आ गया, बस कोई तामझाम नहीं है। बस ये जो कनेक्शन है इसी को हमको कटिंग करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं स्टार्ट करके दिखा दूँ, फाइनली चाबी ऑन है, इंडिकेटर देके दिखा देता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, जो इंडिकेटर है देख सकते हो बढ़िया से चल रहा है, और इस साइड का भी लूज़ कॉन्टैक्ट हो रहा है इस जगह पर, देख सकते हो थोड़ा सा लूज़ कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो ये है, चलिए एक बार हॉर्न लगा के दिखा देता हूँ, हॉर्न भी बढ़िया से बज रहा है। चलिए एक बार क्या करता हूँ मैं, स्टार्ट करके, स्टार्ट करो डायरेक्ट डाउन है। तो स्टार्ट किया हमने, तो जैसे कि देख सकते हो कोई भी हेडलाइट नहीं जल रहा है। चलिए एक बार क्या करते हैं, हेडलाइट का जो स्विच है वो दे देते हैं। फाइनली हेडलाइट का स्विच हमने दे दिया और जल चुका है। तो हाई बीम लो बीम देख सकते हो फ्रेंड्स, दोनों ही काम कर रहा है, ठीक है, जैसे कि काम कर रहा है। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार, क्योंकि ये बंद कर दिया फ्रेंड्स, तो काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी वायरिंग का कटिंग करना ज़्यादा नहीं पड़ा हमको। तो और गियर में भी ये स्टार्ट हो जाएगा बढ़िया से। चलिए मैं वो भी दिखा दूँ आप लोगों को बंद करके एक बार, जो कि बंद कर दिया। चलिए एक बार क्लच थी वो, जो क्लच दबा दिया, देख सकते हो फ्रेंड्स, देख सकते हो फ्रेंड्स गियर में है, देखिए फ्रेंड्स गियर में अभी बढ़िया से, देख सकते हो फ्रेंड्स, देखिए बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब भी ऐसे कर सकते हो फ्रेंड्स। चलिए अब क्या करते हैं, जो क्लाइंट है हमारे पास, क्लाइंट से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये हमारे पास आया काफ़ी दूर से, सब्सक्राइबर भाई है और हमारे कस्टमर भी है। तो कस्टमर बताइए, तो कैसा लगा आपको भैया, बताइए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो हमारे पास काम करके कैसा लगा? तो कहाँ के बहुत ही अच्छा काम किया, और जो फीडबैक है आप लोग भी पता चल गया आप लोगों को। तो इसी तरीके से आप लोग भी कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी कीजिए, बहुत ही आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। वो काफ़ी दूर से आया हमारे पास, तो उन जगह पे मतलब कम ही कर नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलिए अब भी ऐसे कर सकते हो, और वो वाला वीडियो आप लोग इस कोने पर आ रहा होगा, देख सकते हो, ठीक है। BS4 से कन्वर्ट करना कैसे होता है BS3 को,
वो बिल्कुल आसानी से हमने बता चुके हैं, ठीक है। और इसमें पासिंग नहीं लगाया हमने, और जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो था वही हमने किया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स।